हम लोग बात कर रहे थे डिजीज स्टेट की, सो उसी को बेटे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि जब भी कोई डिजीज स्टार्ट होता है, ठीक है, इससे पहले हमारे पास हम कहते हैं डिजीज की तो तीन तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हम लोग कहते हैं प्री पैथोजेनिक स्टेट होती है। प्री पैथोजेनिक स्टेट में बेसिकली मैं हूं इस टाइम। अब प्री पैथोजेनिक स्टेट से क्या मुराद है बेटे? कोई भी डिजीज होने के लिए, जैसे हमने कहा तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन होस्ट, ठीक है, जिसमें वो डिजीज मैनिफेस्ट होगा। नंबर टू वो एजेंट जो कि वो डिजीज कॉज करेगा। और नंबर थ्री आपका जो एनवायरमेंट है वो भी डिसाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट जो हैं डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंट या फेवरेबल होते हैं नहीं होते हैं ऑल दैट। अब इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। इन तीनों का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी डिजीज कॉज करने के लिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फैक्टर एब्सेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है डिजीज हमारे पास नहीं होता। अब देखें, अभी जैसे मैं होस्ट हूं तो मैं भी हूं, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे मॉस्किटोज भी हैं और हैं भी गर्मियां, इन्वायरमेंट भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मुझे मलेरिया नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तीनों एजेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। जब ये तीनों एजेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपको डिजीज स्टेट नहीं है तो दिस इज प्री पैथोजेनिक स्टेट। अब अगर इसी होस्ट ने, यानी कि उसी मलेरिया वाले जो मच्छर है मॉस्किटोज ने आके मुझे बाइट किया, और मौसम भी ठीक है, यही गर्मियों का मौसम है, मच्छर भी प्रेजेंट है, मैं भी हूं, एजेंट भी है, उसने आके मुझे बाइट किया, जब उसने जाहिर आके मुझे बाइट करना है तो उसने अंदर क्या छोड़ के जाना है? अपना प्लाज्मोडियम, ठीक है। और उस प्लाज्मोडियम के थ्रू फिर क्या होनी है? सारी वर्किंग एंड स्पोरोजाइर एंड दिस एंड दैट में भी डिस्कस करूंगी। वो मेरे सेल्स के अंदर आगे हैं और उन्होंने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब इन तीनों की आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट होती है और डिजीज स्टेट आ जाती है बॉडी में, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिक स्टेज। एक प्री पैथोजेनिक थी जब इंटरेक्शन था ही नहीं, इंटरेक्शन हो गया तो दैट इज पैथोजेनिक फेज। पैथोजेनिक फेस में दो कंडीशंस आती हैं, एक आपके पास होती है सब क्लिनिकल और दूसरी आपके पास क्या आ जाती है? क्लिनिकल। सब क्लिनिकल वो फेस है जब साइन और सिम्टम्स नहीं आए हुए, और इस टाइम पीरियड को हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। और जब साइन और सिम्टम्स अपीयर हो गए तो दैट इज योर क्लिनिकल फेस। अब इस क्लिनिकल फेस का फर्दर आगे क्या फेट होनी है वो तो डिपेंड करता है होस्ट इम्यूनिटी के ऊपर भी एंड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी, और ट्रीटमेंट वो ले रहा है या नहीं ले रहा, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये चीज आगे फर्दर डिपेंड करेगी। अब यहां उसने मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है कि जब वो आपको क्या करता है, मॉस्कीटो बाइट करता है तो अपने स्पोरोसाइट्स को अंदर भेज देता है। ये स्पोरोसाइट रेड सेल्स के अंदर जाते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते होते रहते होते रहते। जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड। रेड सेल्स फटेगा और इसमें से ये निकलेंगे, उसके बाद रीगर एंड फीवर एंड चिल्स होगा, तो दैट इज सिम्टोमेटिक स्टेज। बाद में पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन ट्रीटमेंट या तो ठीक हो जाएगा या क्रॉनिसिटी में जा सकता है, या पहले इनिशियली डेथ्स भी हो जाती थी जो बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब उसने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एलेबोरेट किया और उसने कहा नंबर वन आपके पास क्या है? एजेंट का होना बहुत जरूरी है। तो अब एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि एजेंट क्या है। तो कहता है एजेंट जो है वो आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, जो पेशेंट के अंदर जाएगा और मसला कॉज करेगा, एक इंडिविजुअल के अंदर जाएगा। कोई भी नॉन लिविंग पार्टिकल हो सकता है, कोई फोर्स हो सकती है, कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज हो सकती है, किसी चीज की रिलेटिव प्रेजेंस या फिर एब्सेंस भी हो सकती है। कोई न्यूट्रिशन का मैं ज्यादा है तो वो भी डिजीज स्टेट ज्यादा कॉज कर सकते हैं। इसी तरह एक या एक से ज्यादा फैक्टर या एजेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लासीफाई कर देता है, कहता है नंबर वन हमारे पास क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट। अब बायोलॉजिकल एजेंट से क्या मुराद है बेटे? वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंजाए हैं, वो जाके डिजीज कॉज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट का ज्यादा होना कम होना आपके लिए एक एजेंट के तौर पे साबित होता है जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन्स कम हो जाएंगे तो आपको पता है वो मेरेस्मस एंड क्वाशकोर वगैरह इस तरह की सारी चीजें। नंबर थर्ड आपके पास कोई भी फिजिकल एजेंट भी हो सकता है। फिजिकल से मुराद कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर हो गया या कोई केमिकल हो गया जिसने जाके मसला कॉज किया, आपको डिजीज कॉज करा दिया। इसी तरह वो अगेन आगे आ जाता है फिजिकल के बाद केमिकल एजेंट। केमिकल में फिर एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, यानी कि बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन टूटे, कोई यूरिया टूटा, कोई पर्टिकल ऐसा रह गया जिसने इंटरेक्ट किया सेल्स के साथ और उनकी फंक्शनिंग को ऑल्टर किया और डिजीज क्रिएट किया, या बाहर से कोई एजेंट, कोई मेटल फ्यूम डस्ट हो गया, गैसेस हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है बेटे। देन आपके पास मैकेनिकल एजेंट हो सकते हैं, देन कोई भी सोशल एजेंट। तो ये डिफरेंट एजेंट्स हैं जो के अंदर जाएंगे और डिजीज कॉज करेंगे। अब ना सिर्फ एजेंट बल्कि होस्ट के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ईदर डिजीज होना है या नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन वो कहता है होस्ट की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल
प्रोफाइल होती है उसके ऊपर भी मैटर करता है, कैसे होस्ट की एज डिसाइड करती है। यानी यूजुअली हम देखते हैं अडल्टहुड में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, डिजीज़ नहीं होता, बहुत इन्फेंसी है या बहुत अल्डरली लोग हैं तो उनमें डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाता है। समटाइम ये होता है ना कि आपका होस्ट भी है, एजेंट भी है, इन्वायरमेंट भी है, लेकिन फिर भी डिजीज़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है एज ग्रुप अच्छा है और इम्यूनिटी स्ट्रांग है और नहीं हो रहा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बेटर है, सो एज हो गया या सेक्स हो गई। बहुत सारे डिजीजेस हम देखते हैं मेल्स में होते ही नहीं है, जैसे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सो सेक्स पे भी डिपेंड करता है डिजीज का होना, एंड सेम एज एथिसिनिटी पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा कहता है बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे तो बायोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। कुछ लोगों की फैमिलीज में डिजीज रन करते हैं, वो बड़े प्रॉन होते हैं, उनको बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उसके बाद बेटे ब्लड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ब्लड ग्रुप के ऊपर भी, एंड उसके साथ साथ आपको पता है कि ये एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी पे भी, कुछ लोगों में एंजाइम की डेफिशिएंसी वो डिजीज के लिए जरा ज्यादा प्रोन होंगे। सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी उनकी एजुकेशन है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उनकी मार्शल स्टेटस है और किस तरह से हाउसिंग वगैरह है, ये सारी चीज भी डिसाइड करती है होना या नहीं होना। एंड लास्ट जो है वो लाइफस्टाइल, ठीक है। और आखिरी चीज आपके पास होस्ट हो गया, एजेंट हो गया, एंड आखिरी चीज एनवायरमेंट। तो कहता है एनवायरमेंट भी बहुत तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है डिजीज स्टेट को, इधर इंटरनल एनवायरमेंट, डोमेस्टिक माइक्रो या मैक्रो एनवायरमेंट। और जो आपके पास मैक्रो या एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसमें फिजिकल एनवायरमेंट यानी उसके अंदर किस तरह के सॉइल है, वाटर है, एयर है, बायोलॉजिकल के आपके एनवायरमेंट में कितने वायरसेस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और साइकोलॉजिकल के आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं, क्या उनकी सोशल वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंसान को जहनी सुकून भी देती हैं और जहनी तौर पर बीमार और डिस्टर्ब और इरिटेटेड भी बना देती हैं। तो यहाँ तक एक डिजीज का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन जरा पढ़ाऊंगी और ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।